इसी साल जून में ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा देश के सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक है। यह हादसा काफी भयावह था। इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया था। इस हादसे में कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हो गई और 900 के करीब इसमें घायल हो गए थे। इस हादसे में 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई। उसके बाद जून महीने में ही पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में एक और ट्रेन हादसा हुआ, जहां लगभग 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अब वहीं एक और ट्रेन हादसे का मामला सामने आया है आगरा से, जहां पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन पंजाब के फरीदकोट से मध्य प्रदेश के सियोनी जा रही थी। रोजाना की तरह ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, तभी अचानक आगरा से 10 किलोमीटर दूर भांडे स्टेशन के पास ट्रेन की 2 जनरल बोगियों में चीख पुकार मच गई। कारण था आग। दरअसल ट्रेन में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। जब ट्रेन रुकी तो यात्रियों ने कोच से कूद कर अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में करीब 20 लोगों आग की चपेट में आने से झुलस गए, लेकिन उनकी जान बच गई। घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे रेल प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेन के कोचों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रेन में आग लगी कैसे, लेकिन इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस शख्स की वजह से यह बड़ा हादसा कम में ही टल गया, वो कोई और नहीं बल्कि रेलवे गेटमैन है। जानकारी के मुताबिक फाटक 487 पर तैनात गेटमैन ने ट्रेन से धुआं उठते ही देखा और तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन के दोनों डिब्बों की विद्युत सप्लाई काट और फिर दोनों को ट्रेन से अलग कर दिया। अगर समय पर गेटमैन धुआं उठने की सूचना नहीं देता तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बताया जा रहा है कि उन समय उन दोनों बोगियों में करीब 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।